ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथाय नमः। स्वागत है आपका साईनाथ चैनल पे। मैं आपकी साई अनु आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपके सामने आकर इतनी खुशी होती है, चाहे वो लाइव में हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ब्लॉग हो, कुछ भी हो, खुशी दोगुनी हो जाती है, 10 गुना हो जाती है। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला इम्पॉर्टेंट, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, जिसकी वजह से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती अगर आप उसको प्रेस नहीं करते हो, तो उसको प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपके पास जब भी मैं लाइव आऊँ, जब भी मेरी कोई वीडियो आए, तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो लोग साई संभाल लेंगे, मैं ऐड नहीं है, फटाफट से जाके मुझे व्हाट्सएप कर दो, नहीं तो मैं नीचे 2 नंबर डाल दूंगी। अगर आप उन 2 नंबर पर अपना नंबर भेज देते हो, अपना नेम और सिटी, अपना एड्रेस भेज देते हो, एड्रेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेम और सिटी भेज दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उन 2 नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो, अगर मैं नहीं उठा पाती हूँ, कभी ऐसा होता है इनकेस, तो आप उन 2 नंबर पर कॉल कर सकते हो, उन 2 नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो कि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, अदरवाइज मैं उठाऊंगी कॉल, ऐसे नहीं होता कभी, इन केस अगर हो जाता है तो आपसे मेरी बात हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, जो ग्रुप का नेम है साई संभाल लेंगे, तो आज उसी पे हम चर्चा करेंगे कि बाबा संभालते कैसे हैं, सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। बहुत समय पहले की बात है, मम्मा की तबीयत इसी तरह खराब थी, बहुत तगड़ी वाली खराब थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन लोगों को ऑफिस जाना होता था, क्योंकि अगर ऑफिस नहीं जाते तो पैसों के बिना आजकल दुनिया में कुछ नहीं। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आपके रिश्तेदार भी नहीं पूछते आपको, वो भी मुख मोड़ लेते हैं, कहते हैं नहीं अरे इसके पास तो क्या है। और जब आपकी जेब में थोड़े पैसे आ जाते हैं तो वो आपके पास उलट पलट के आ जाते हैं कि चलो यार किसके पास हो गया, आप कुछ ना कुछ हेल्प तो कर दे, ठीक है। तो उस समय हमारे पास ना सपोर्ट था और ना नोट था, नोट और सपोर्ट दोनों नहीं थे। आज भी बाबा की कृपा से बहुत कुछ है, हम खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, दूसरों को खिला पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। चाहे हम 1 को खिलाएं, चाहे हम 10 को खिलाएं, चाहे हम 11 को खिलाएं, लोग खिलाते हैं 400-500 को, हम 100 को खिला देते हैं, कोई कोई बात नहीं है, जितना मालिक ने दिया उतने बहुत है। तो मम्मा की तबीयत खराब थी, मुझे किसी ने डॉक्टर का बोला कि उस डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनके पास लेकर जाओ। मम्मा समझ गए होंगे मैं क्या बताने जा रही हूँ, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पास आप लेके जाओ, बहुत ही अच्छे से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, लेकर चलते हैं। अब मैं इनको डॉक्टर के पास लेकर गई, ऑटो वाला भी हमारे उसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा, कहते हैं ना जब मजबूरी होती है तो हर एक चीज आपको लूटने की कोशिश करती है, मजबूरी में हर इंसान, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे, और उस वक्त जो साथ देता है वही दिल में बस जाता है, सुख में और दुख में जो साथ देता है, और दुख में जो छोड़ के जाता है, और जो साथ देता है वही याद रहता है। 2 लोग कभी भूले नहीं जाते, एक साथ देने वाला और दूसरा साथ छोड़ कर जाने वाला। तो ऑटो वाले ने बड़ा हमसे पैसा लिया कि ये वो वगैरह। अब हुआ क्या, मैं पहुंची डॉक्टर के पास, जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, मैं अंदर गई तो इनका नंबर, उसने मतलब हाँ 3rd नंबर था हमारा, हम लोग जब गए उसने चेक किया, उसने बोला आपको करीबन 5-6 टेस्ट करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं आपको दवाई दूंगा, अदरवाइज मैं आपको दवाई नहीं दे सकता बिना टेस्ट के रिपोर्ट आए। तो मैंने कहा चलो मम्मा हम टेस्ट करवा लेते हैं। तो मैं आपको सच सच बताऊं, उस टाइम मैं लेकर गई थी 3,000 रुपये, सिर्फ 3,000 रुपये लेकर गई, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये थे और मैं लेकर गई, टेस्ट हुए 5,000, 5,000 के सिर्फ टेस्ट हुए थे। आप मानो होश नहीं उड़ेंगे मेरे तो बत्तियां ही खुल हो गई थी पूरी की पूरी, यार होगा क्या है, 5,000 का उसने मेरे को टेस्ट लिख कर दिया और इनको अंदर ले गया। मैं अकेली, मेरे पास रूई थी, छोटी सी रूई,
8-9 month की होगी रूही। तो मैं रूही को गोदी में लेकर के मैं बाहर बैठी थी, अंदर टेस्ट हो रहे थे मम्मा के, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, जो भी सारे टेस्ट हुए उसमें। तो काफी सारे टेस्ट के 5,000 रुपए सिर्फ टेस्ट के लिए दिए। अब मैं बाहर बैठी क्या सोच रही हूँ, अगर 5,000 के टेस्ट हुए हैं तो दवाई तो और महंगी आएगी, और दवाई के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, सोचो। मैं उस टाइम ब्लॉक हो गई थी कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी परीक्षा मालिक ने ली थी और बाहर बैठे बैठे यही सोच रही थी कि मैं करूंगी तो करूंगी क्या। उस टाइम मेरे पास फोन भी नहीं था, मम्मा का फोन था छोटा वाला, जो बटन वाले फोन होते हैं ना वो चलाती थी। तो आजकल के तो बच्चे शुरू से एंड्रॉयड लेकर घूमते हैं, लेकिन उस टाइम मैंने सोचा मैं पापा को फोन करती हूँ। फिर सोचा अगर डैडी जी को फोन करूंगी तो वो टेंशन में हो जाएगी कि पैसे तो मुझे पता है ना, अपने घर में सबको पता होता है कि क्या कंडीशन चल रही है। तो मैंने कॉल नहीं किया, मैं सोची थी मम्मा बाहर आए तो बात करूँ, क्योंकि बिना पैसे के तो वो मुझे मार के भगा देता वहां से, पैसे नहीं तो करने का ही है हॉस्पिटल में। मैंने कहा चलो यार कोई दिक्कत नहीं, बाहर बैठूं। अब जब मम्मा आए तो मैंने मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा 5,000 के टेस्ट लिख दिए, इनके भी होश उड़ गए। ये कहते अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जा रहा। मैंने उनसे कहा जो रिसेप्शन पे थी, मैंने कहा अगर हम आधे पैसे जमा कर दें और आधे कल दे दें तो ऐसा चलेगा? बोलती नहीं 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 आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अब भैया वहीं पे, अब मैं और मम्मा थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल में बैठ गए ताकि कोई हमें किसी का ध्यान नहीं जाए, क्योंकि अगर रिपोर्ट आ गई तो वो हमको अंदर भेज देते डॉक्टर के पास। आप कंडीशन में सोचिए उस समय हमारा, आप भी तो मैं हंस रही हूँ उसमें, हंसी मुझे ये नहीं हुआ, हंसी होती क्या है, हंसी नहीं आ रही थी मुझे। अब मैं और मम्मा बाहर बैठ गए चेयर पे रिसेप्शन के सामने। अब होता है ना कि मजबूरी में वो हमको देखी जा रही थी, देखी जा रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ना पापा को मिस कॉल, पापा को कितने लोग ने किसको किया, मैंने मिस कॉल किया ताकि मेरे पास फोन आए। मेरे पास फोन आया, मैं उठ के बाहर गई, मैंने कहा एक मिनट मैं कॉल करती हूँ, बोल, क्योंकि उन्होंने तो भाई रिपोर्ट चेक कर लिए थे, उनको पैसे चाहिए थे, वो तो मुझे देखेंगे देखेंगे। मैंने मम्मा से कहा मम्मा मैं बाहर जा रही हूँ, आप बाहर आ जाओ। क्यों, हम उस साफ साफ बताऊं तो हम उस वहां से भाग रहे सच में यार। मैंने भागने का प्लान बनाया था कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि अगर वहां पे रहते तो वो पैसे ले लेते, और पैसे मेरे पास थे नहीं। उस 3,000 में क्या मैं कहीं दूसरी दवाई तो लेती, कम से कम कुछ तो छोटे डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन छोटा डॉक्टर कुछ तो देता, लेकिन अगर पूरे 3,000 दे देती तो मेरे पास तो कुछ बचता नहीं, और मैं कहाँ से लेती, ऑटो वाले को भी देनी थी। अब मैं वहां से मतलब आप मरा, पूरे पसीने छूट रहे थे कि बाहर कैसे जाऊं मैं किसी तरह फोन लेके बाहर निकली। अब मम्मा धीरे 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 वहां से बाहर आए, इनको और टेंशन, अब मैं करूं तो क्या करूं। तो वहां से जब मैं बाहर आई तो मैंने मम्मा को, मम्मा चलते हैं, हाँ मानो हम यूं यूं भगे थे यूं। आज मुझे याद है ऑटो वाले में बैठे हुए, उसको बोला तू चल, वो कहता क्यों क्या हुआ आंटी दवाई ले, मैं कहा नहीं तू चल। तो आज तो ऑटो वाले ऐसे होते ना कभी सुनते नहीं, लेकिन वो कहता आंटी कुछ खा लो, मैं कहता नहीं भैया आप चलो बस जैसी मर्जी हमको ले चलो यहाँ से। फिर जब मैं घर पे आई तब मुझे थोड़ी सुकून की सांस आई, लेकिन इतना बुरा लगा उस दिन, आप सोचो क्या सिचुएशन रही होगी। इतना दिल दुखा कि अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मुझे वहां से भागना नहीं पड़ता, अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी माँ का ट्रीटमेंट करवा के आई होती, ऐसी ऐसी कंडीशन होती है। बाद में हुआ था इलाज, ऐसी बात नहीं है, बाद में ठीक हो गए थे। उस टाइम मेरे पास स्कूटी नहीं थी, उस टाइम मेरे पास साईं सचिन के बारे में कुछ नहीं पता था मुझे, लेकिन मालिक पर भरोसा था, एक ही नाम था साईं, जानती थी लेकिन मानती नहीं थी, सॉरी मानती थी लेकिन जानती नहीं थी। अगर जानती होती कि सब कुछ कर सकते तो मैं इनको बोल नहीं देती, मैं मानती थी बाबा को लेकिन जानती नहीं थी कि वाकई बाबा के अंदर इतने चमत्कार कर सकते हैं साईं। तो आज का टाइम है कि अगर मैं ये भी कह दूं कि नहीं मेरे पास इस चीज की ये है तो वो मेरी पूरी हो जानी है, मुझे पता है, वो मुझे पता है कि मेरे को आज मेरा साईं संभालने के लिए बैठा है। मैं आज किसी के पास कोई चीज होती ना, मैं अगर कहूं यार काश ये मेरे पास होती, आप मानोगे वो हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पास चीज आ जाती है, हफ्ते के अंदर अंदर। और एक और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चल रहा है मेरे साथ, जिस दिन वो पूरा हुआ उस दिन मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अब आप सस्पेंस में रहो कि वो चीज है क्या, ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मेरे साथ होने क्या वाला है। जिस दिन वो चीज पूरी हो गई उस दिन
होगा तो लाइव शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है? बस वो पूरी हो जाए बाबा की कृपा से, मैं जरूर शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है? तो अब मुझे आज्ञा दो, ये थे मेरे एक्सपीरियंस, वो छोटे छोटे से थे लेकिन बहुत गहराई है इनमें, मैं बता रही हूँ लेकिन अंदर जो फीलिंग चल रही है वो मैं समझ सकती हूँ, और फिर जिनके साथ ऐसा होता है ना कहते वही समझ सकते हैं। भगवान ना करे किसी की जिंदगी में ऐसा कभी दिन आए, क्योंकि जहाँ साईं है वो संभाल लेते हैं, जैसे कल मुझे संभाल लिया, आज मेरे पास जो दिक्कत आने वाली थी वो साईं ने कल मुझे संभाल लिया। तो थैंक यू सो मच देवा, और ऐसे ही सबकी इज्जत सबकी लाज बचा के रखना, ये हमारी दुआ है आपसे, ठीक है? तो हमारे भाई जी बहुत जल्दी एक यूट्यूब पे सॉन्ग लेकर आएंगे, ये खुद गाएंगे बैठकर, वो धीरज रखो रहमत की बर्फ खाबर साधी ले, पूरा सॉन्ग गाएंगे ये, ठीक है? उसकी वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी, क्योंकि वो सॉन्ग बहुत लोगों को पसंद है, तो उसके लिए ये गाकर उसको जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। और अब जो हम लोग बैठकर बातें करते हैं ना, हर संडे सैटरडे या फिर थर्सडे जो भी हम करते हैं, उसको नाम देंगे साई संध्या का, और साई संध्या छोटी छोटी हर गुरुवार हर रविवार जैसे जब जब कुछ हुआ ग्रुप में मैं अपडेट डालती रहती हूँ, मैंने डालती हूँ ये लोग डाल देते हैं, तो उसको आप चेक करते रहा करो, ठीक है? ग्रुप जरूर चेक किया करो, चाहे वो साई संभाल लेंगे फर्स्ट है या फिर सेकंड है, दोनों में आप चेक करते रहो, ठीक है? अब हमें दो आज्ञा, हम चलते हैं, और मम्मा के लिए जिन लोगों ने भी दुआ की है थैंक यू सो मच, कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं बॉडी में तो आगे भी बहुत अच्छा होगा। एक दिन मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको साथ बैठ, पता नहीं यहाँ बैठूंगी और पता नहीं कहाँ बैठूंगी। तब तक के लिए ओम साईं राम।